अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा पश्चिम बंगाल की तरफ से स्थानीय कोलकाता प्रेस क्लब में ब्राह्मण गौरव सम्मान भव्य आयोजन किया गया। ये सम्मान इस वर्ष 16 लीवर ट्रांसप्लांट कर चुके डॉक्टर इंद्रजीत तिवारी जी को उनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष विवेक शुक्ला जी ने किया। उन्होंने कहा कि उनका संगठन समाज से जुड़े पिछले लोगों के उत्थान के लिए हमेशा ही आगे रहता है। संस्था पे पश्चिम बंगाल में कोई दाग नहीं लगे, हमेशा एक संस्था के रूप में, एक समाज सेवा के रूप में ये कार्य करता रहा। मैं एक दल से भी जुड़ा हुआ हूँ, लोग जानते हैं कि विवेक शुक्ला जदयू के प्रवक्ता हैं, लेकिन पहले वो एक ब्राह्मण है। मैं इस चीज को माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री नितिन कुमार जी भी जानते हैं, प्रशांत किशोर पांडे जी भी जानते हैं कि विवेक शुक्ला। कार्यक्रम का संचालन महासभा के उपाध्यक्ष श्री सचिन त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया। संचालन में श्री सचिन त्रिपाठी जी ने डॉक्टर इंद्रजीत तिवारी को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही महासभा के संगठन की घोषणा की गई, जिसमें सविता पांडे जी, जितेंद्र मणि त्रिवेदी जी, मनोज दुबे जी, अविनाश मिश्रा जी, कनिष्क मुखर्जी जी, सभी को प्रदेश का महासचिव बनाया गया। इसके साथ ही इस महासभापति के उपाध्यक्ष श्री सचिन त्रिपाठी जी ने कहा कि ब्राह्मण समाज को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है समस्त कोलकाता में या समस्त देश में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को एकजुट किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल जो ब्राह्मण समाज थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है, उसको फिर से पहले की भांति एकजुट करना होगा। इसके लिए समस्त ब्राह्मणों को आगे आना होगा, मिलकर आगे बढ़ें, तभी समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया युवाओं पर, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। इसके साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सभापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री केसी पांडे जी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।